जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, हम सभी ने मेक इन इंडिया का हमेशा से समर्थन किया है। मेक इन इंडिया के बल पर भारतीय इंपोर्ट कम होगा, साथ में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया की इसी मुहिम में अब शामिल होने जा रहा है टर्की। टर्किश कंपनी इलेक्ट्रिक, जिसका 40 देशों में कारोबार है, वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है अपना पहला। यह टर्किश कंपनी स्मार्ट मीटर्स, एलईडी स्विचेस और एमसीबी बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। क्योंकि भारत में अगले कुछ सालों में लगभग लगभग 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की डिमांड रहेगी, इसलिए इतनी बड़ी स्मार्ट मीटर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए टर्किश कंपनी इलेक्ट्रिक भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग बेस खोलना चाहती है। क्योंकि टर्किश कंपनी को भारत में एक सुरक्षित मार्केट नजर आ रहा है लंबे समय के लिए, इसलिए वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है। और उसके लिए उसने मांगी है 50 एकड़ जमीन नोएडा में। नोएडा में एयर कनेक्टिविटी भी है, रेल कनेक्टिविटी भी है और रोड कनेक्टिविटी भी है। बढ़िया जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर टर्किश कंपनी 500 करोड़ का निवेश करके यह प्लांट लगाएगी, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आमतौर पर दुनिया की कोई भी कंपनी जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कंपनी के केस में हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह एक टर्किश कंपनी है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों हमने चर्चा की हुई है कि भारत ने चाबहार पोर्ट में निवेश किया। चाबहार पोर्ट के रास्ते हमने अफगानिस्तान को भेजी गेहूं, लेकिन अफगानिस्तान उसी चाबहार पोर्ट के रास्ते भारत भेज रहा है ड्रग्स, और ईरान मुंह में दही जमाए और आंखों में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। जब चाबहार पोर्ट का दुरुपयोग हो सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रिक भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है उसका दुरुपयोग नहीं होगा? यह सवालिया निशान हमेशा लगा रहेगा इलेक्ट्रिक के प्लांट के ऊपर। इसलिए दोस्तों हम अपेक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार और फिर भारत सरकार यह पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी कि इलेक्ट्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगा रही है उसका सदुपयोग होगा, उसके द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रायोजित ना किया जाए, यह सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। भारत में नए निवेश का स्वागत है, लेकिन निवेश यदि दुश्मन देशों से आता है तो हमारे कान स्वाभाविक है खड़े हो जाने चाहिए। जिस तरह हम अन्य कंपनियों के लिए जमीन आसानी से मुहैया करवा देते हैं, उतनी आसानी से हमने इलेक्ट्रिक को जमीन नहीं देनी चाहिए। पहले पूरी जांच पड़ताल होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का वास्तव में मालिक कौन है, इलेक्ट्रिक के धंधे के बढ़ने से किसको वास्तव में बेनिफिट होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सब पहलुओं की इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है। यदि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इलेक्ट्रिक जो भारत में प्लांट लगा रही है उससे मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, तभी जो है इलेक्ट्रिक को 50 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। आपके अनुसार क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने टर्किश कंपनी इलेक्ट्रिक को नोएडा में 50 एकड़ जमीन दे देनी चाहिए? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो आया है पसंद तो लगे हाथों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।